hello everyone this is your bandini Sharma. welcome back to my channel bmb tutorial so in last session we have discussed question number 10 to question number 13 and in today's session we are going to discuss next further question of the same exercise okay so let's start it so question number 14 is a circular flower garden has an area of 314 meter square a, a sprinkler एट द सेंटर ऑफ़ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज द रेडियस ऑफ ट्वेल्व मीटर विल द स्प्रिंकलर कैन वाटर द एंटायर गार्डन ओके तो इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन दे रखा है जिसका एरिया आपको गेवन है ओके okay? और इसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर को लगाया हुआ है और ये स्प्रिंकलर उस गार्डन का उतना एरिया कवर कर रहा है जितना जिसकी रेडियस 12 मीटर है इसका मतलब यहाँ पर जो स्प्रिंकलर है दैट इज़ कवरिंग अ सर्कुलर एरिया बिकॉज हेयर यू हैव गिवन द रेडियस ऑफ दैट एरिया सो वी कैन हैव एन आइडिया फ्रॉम दिस दिस स्प्रिंकलर कवरिंग द सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस ट्वेल्व मीटर नाउ द क्वेश्चन इज बिल दिस स्प्रिंकलर वाट द एंटायर गार्डन क्या ये स्प्रिंकलर जो सेंटर में गार्डन के सेंटर में लगा हुआ है क्या वो पूरे गार्डन को विंग कर सकता है वॉटर पहुंचा सकता है लेट्स एरिया ऑफ गार्डन एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन यू हैव गिवन इज़ 314 मीटर स्क्वायर ओके दिस इज द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन नाउ रेडियस ऑफ सर्कुलर सर्कुलर रीजन ऑफ गार्डन कवर्ड वाई स्प्रिंक्लर इसका मतलब स्प्रिंकुलर गार्डन का जितना सर्कुलर रीजन कवर कर रहा है उसकी रेडियस आपको ट्वेल्व मीटर दे रखी है ओके okay? तो इस सर्कुलर रीजन का रेडियस आपको पता है देन यू कैन फाइंड आउट इट्स एरिया आल्सो, ओके सो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन रीजन ऑफ गार्डन कवर्ड बाय स्प्रिंकलर Is pi r square, okay? So pi is here. You have to take 3.14 and radius is 12. So 12 is square. That means 3.14 into 12 into 12. So 3.14 into 12 into 12 is 144. Okay. So if we multiply these two, yes. we'll get 452.16. मीन्स फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू पॉइंट वन सिक्स मीटर स्क्वायर नाउ सी स्प्रिंकलर जितना एरिया गार्डन का कवर कर सकता है उसका एरिया कितना है फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू पॉइंट वन सिक्स दैट इज ग्रेटर दैन द एरिया ऑफ द सर्कुलर गार्डन दैट इज ग्रेटर दैन द सर्कुलर गार्डन इट इज थ्री हंड्रेड फोर्टीन ओके सो फोर फिफ्टी टू पॉइंट वन सिक्स इज ग्रेटर दैन थ्री हंड्रेड फोर्टीन सो दैट मीन्स वॉट स्प्रिंकलर एंटायर गार्डन को वॉटर कर सकता है ओके सो सेंस एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ गार्डन कवर्ड वाई स्प्रिंकलर Is greater than circular garden. Okay? Means 452.16 meter square is greater than 314 meter square. So that is why sprinkler will give. वाटर टू एंटायर गार्डन ओके स्प्रिंकलर गार्डन मीन्स जितना रीजन कवर कर रहा है उसका एरिया गार्डन के एरिया से ज्यादा है इसका मतलब वो एंटायर गार्डन को आराम से वाटर दे सकता है ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द सर्कम्फेरेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल्स सोन इन द फिगर टेक पाई इजक्ल्स टू थ्री पॉइंट वन फोर ओके तो आपको इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा है सर्कल के अंदर एक सर्कल और सेंटर उनका क्या है सेम है तो so, ये जो अंदर वाला है सर्कल है इनर सर्कल उसकी रेडियस आपको नहीं दे रखी है ओके okay? बट जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस आपको नाइन्टीन मीटर दे रखी है ओके okay? और इन दोनों सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस टैन मीटर आपको दे रखी है तो इस टैन मीटर की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दिस इनर सर्कल। सी दिस दिस इज द आउटर रेडियस ओके दिस इज द आउटर रेडियस सो आउटर रेडियस इज 19 मीटर इस 19 में से अगर इन दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस इतना पार्ट क्या है 10 है टेन मीटर है इतना पार्ट ओके सो इस 19 में से अगर हम इस टेन को माइनस कर दें तो इतना डिस्टेंस मीन्स इनर रेडियस आपके पास आ जाएगी ओके सो सी सो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल यू हैव गिवन इज नाइन्टी मीटर ओके एंड डिस्टेंस between the circles circles is 10 meter okay so radius of inner circle will be 19 minus 10 that is 9 meter okay आउटर रेडियस आपको 19 मीटर दे रखी है और इतना डिस्टेंस मीन्स दोनों इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच का डिस्टेंस आपको 10 मीटर दे रखा है सो so, 19 माइनस दिस टेन इज द इनर रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ इनर सर्कल ओके नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सर्कम फेरेंस सो सर्कम फेरेंस ऑफ आउटर सर्कल इस आउटर सर्कल की आपको बाउंड्री की लेंथ में सरकम फेरेज निकालना है सो फार्मूला इज टू पाई आर ओके और पाई यहाँ पर आपको थ्री पॉइंट वन फोर लेना है सो टू इंटू थ्री पॉइंट वन फोर एंड रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज़ नाइनटीन मीटर ओके सो नाइनटीन टू सा थर्टी एट सो थ्री पॉइंट वन फोर इंटू थर्टी एट वन हंड्रेड नाइन 13.32 meter okay so circumference of this outer circle is 119.32 meter now circumference of inner circle is 2 pi r the formula will be same

Is the circumference of this inner circle of which radius is 9 meter? Okay. Next question number 16 is how many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter? Okay. And you have to use here pi as 22 upon 7. So, in this question, you have given what? one wheel. एक व्हील 352 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितनी बार रोटेट करेगा ओके okay? मीन्स अगर सपोज ये डिस्टेंस 352 मीटर है ओके okay? 352 मीटर है और यहाँ से व्हील ने रोटेट करना शुरू किया है और तो कितनी बार वो रोटेट होगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए ओके okay? सो so, रेडियस यू हैव गिवन हियर रेडियस ऑफ व्हील इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर ओके यहाँ पर व्हील की रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है और व्हील को जितना डिस्टेंस कवर करना है दैट इज इन मीटर ओके सो सी इफ सपोज दिस इज अ व्हील एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट इनिशियल पॉइंट ओके so it start and when it complete one rotation See. so the distance covered by this wheel in one rotation is this much and this is equal to the circumference of this wheel okay each rotation may एक रोटेशन मींस जब ये वन टाइम रोटेट किया तो इसने कितना इस डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस कवर किया जितना कि इसका सरकमफेरेंस है ओके इस तरीके से ये रोटेट कर रहा है सपोज इस पॉइंट से ये रोटेट करना यहाँ से स्टार्ट करता है और देखिए ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना इसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ है ठीक है मींस यहां पर आ गया तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है इसकी सरकमफेरेंस ओके So, so, distance covered by wheel in one rotation in one rotation is equal to circumference of wheel. Circumference of wheel, and wheel is in the shape of circle, so its circumference is two pi r, okay, and pi you have to take twenty two upon seven, and radius C you have given twenty eight centimeter, so seven one ja seven and seven four ja twenty eight, so four two za ja eight, eight into twenty two is equals to one seventy six centimeter. ओके, सो वन रोटेशन कंप्लीट करने में इस डिस्टेंस का कितना 176 सेंटीमीटर कवर कर रहा है अब आपको यह बताने की टोटल इतना डिस्टेंस कवर करना है तो कितनी बार रोटेट करेगा ओके okay? कितनी बार रोटेट करेगा तो आपको पता है कि इन वन रोटेशन सो लेट लेट नंबर ऑफ रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय मेड वाई व्हील बी एन हमने सपोज किया लेट किया कि व्हील को इतना डिस्टेंस कवर करने में 352 मीटर कवर करने में कितने टाइम्स रोटेट करना है एंड टाइम्स रोटेट करना है ओके एंड टाइम्स रोटेट करना है अब देखिए वन रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 176 सेवेंटी सिक्स सेंटीमीटर तो एन रोटेशन में कितना करेगा एन इंटू वन सेवेंटी सिक्स ओके वन का आपको पता है कि वन रोटेशन में दिस मच डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील, सो इन एन रोटेशन दैट विल बी वन सेवेंटी सिक्स इंटू एन ओके सो इन वन रोटेशन इन वन रोटेशन Distance covered Y V is equals to one seventy six centimeter. Okay. So in N rotation and can up number of rotation. Okay. So in N rotation. The distance covered by wheel will be n into 176. Okay, n into 176. So n rotation mein itna distance cover kar raha hai और total distance cover कितना करना है आपको 352 meter. इसका मतलब ये distance किसके? इसके ही equal होगी. Okay? दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन इन टू वन सेवेंटी सिक्स इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी टू अब सी यहां पर यह सेंटीमीटर है ये मीटर है तो कभी आप इक्वेट नहीं कर सकते इसलिए पहले इसको किसमें चेंज करना है सेंटीमीटर में सो थ्री फिफ्टी टू मीटर और थ्री फिफ्टी टू टू जीरो अगर आप लगा देते हैं तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा अगर आप थ्री फिफ्टी टू मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे मीन्स आप हंड्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे सो so, हंड्रेड का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सेंटीमीटर ओके तो अब यहाँ से देखिए हमें तो क्या नंबर ऑफ रोटेशन चाहिए एन की वैल्यू चाहिए तो वन सेवेंटी सिक्स को हम क्या करेंगे इस साइड डिवाइड करेंगे ट्रांसपोज करेंगे सो एन इक्वल्स टू थ्री थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड डिवाइड बाई वन सेवेंटी सिक्स ओके अब 176 को अगर आप टू से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आएगा टू सिक्स जा ट्वेल्व वन कैरी टू सेवन जा फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन वन कैरी टू वन जा टू प्लस वन एज थ्री मीन्स थ्री फिफ्टी टू ही आ रहा है इसका मतलब ये कितने टाइम से डिवाइड होगा वन टाइम और ये टू टाइम और यहाँ पर दो जीरो लगे हैं इसलिए क्या हो जाएगा टू हंड्रेड ओके सो एन क्या आ गया टू हंड्रेड मीन्स नंबर ऑफ रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाई मेड बाय व्हील टू कवर थ्री फिफ्टी टू मीटर एज टू हंड्रेड ओके थ्री फिफ्टी टू मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए व्हील को कितनी बार रूटेट होना पड़ेगा टू हंड्रेड टाइम्स ओके नॉ क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इज द मिनिट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज फिफ्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन वन आवर ओके सो सी यहाँ पर एक क्लॉक दे रखी है और सर्कुलर शेप में है मीन्स सर्कल के शेप में है और इसकी जो मिनट हैंड है मीन्स दिस इसकी जो लेंथ आपको दे रखी है फिफ्टीन सेंटीमीटर ओके okay, ये मिनट हैंड है और इसकी लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है अब क्वेश्चन ये है कि इस मिनट हैंड के टिप को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वन आवर कंप्लीट करने में ओके सो आफ्टर ट्वेल्व इट विल गो टू वन फाइव मिनट देन वन टू टू टेन मिनट टू टू थ्री फिफ्टीन मिनट थ्री टू फोर ट्वेंटी मिनट लाइक वाइज ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी फिफ्टी फाइव एंड सिक्सटी मीन्स इस मिनट हैंड को ट्वेल्व पर है अगर तो ये जब ट्वेल्व पर ही आएगी मीन्स वन रोटेशन कम्प्लीट कर लेगी तो वन आवर कम्प्लीट होगा बिकॉज सिक्सटी मिनट इज इक्वल्स टू वन आवर ओके तो इसने ट्वेल्थ से स्टार्ट किया तो ट्वेल्व से वन गया तो फाइव मिनट कम्प्लीट हुआ वन टू टू टेन मिनट इसी तरीके से जब ट्वेल्व पर यह वापस आएगी तब जाकर ये सिक्सटी मिनट्स मीन्स वन आवर और कम्प्लीट करेगी तो इसका मतलब जब ये ट्वेल्थ से स्टार्ट कर रही है और वापस ट्वेल्व वन आवर में वापस ट्वेल्व पर ही आ रही है इसका मतलब ये क्या सर्कल का एक रोटेशन मीन्स ये जो डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या होगी इस सर्कल का ओके? फेरेंस द डिस्टेंस कवर्ड बाई दिस मिनिट हैंड टू कंप्लीट वन आवर इज इक्वल टू द सर्कम फेरेंस ऑफ दिस सर्कल ओके यहाँ से स्टार्ट किया मिनिट हैंड ने मूव करना और वापस कहां पर ट्वेल्व पर ही आ रही है तब जाकर वन आवर कंप्लीट हो रहा है सिक्सटी मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं इसका मतलब इतने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस क्लॉक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सर्कम फेरेंस के इक्वल ओके सो सी लेंथ ऑफ मिनिट हैंड इज फिफ्टीन सेंटीमीटर ओके सो द डिस्टेंस कवर्ड

सर्कल है सर्कल के एक पॉइंट से जहाँ पर मिनट हैंड है वहाँ से वो जब ट्रैवल करना स्टार्ट करती है और वापस उसी पॉइंट पर पहुँचती है तब जाकर 60 मिनट्स कम्प्लीट होते हैं महीन वन आवर कम्प्लीट होते हैं इसका मतलब कितना डिस्टेंस इसने क्लॉक का ट्रैवल किया उसकी सरकमफेरेंस के इक्वल दैट इज़ वाई द डिस्टेंस कवर्ड बाई द मिनट हैंड इन सिक्सटी मिनट और वन आवर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें कैलकुलेट करना है तो उसकी रेडियस रेडियस क्या होगी रेडियस ये मिनट हैंड की लेंथ ही होगी ओके सो टू पाई आर सो टू पाई यू हैव टू टेक थ्री पॉइंट वन फोर इन टू रेडियस इज फिफ्टीन सो फिफ्टीन टू ज थर्टी मीन्स थर्टी इंटू थ्री पॉइंट वन फोर Okay, so 0, 3, 4, 12, 1 carry, 3, 1, 3 plus 1, 4, 3, 3, 9 means 94.20 centimeter is the distance covered by the minute hand in 60 minutes or 1 hour. Okay, 94.2 centimeter. So, that's all about today's session in which we have discussed question number 14 to question number 17 of exercise 11.3 if you have any query doubt related to these questions can ask on comment section and in my next upcoming session we are going to discuss next exercise 11.4 that is the last exercise of this chapter till then keep watching my channel thank you